जैसे गगन से उतर के मेरे लिए क्या मेरे लिए अभिनेता है वो आए और इस युगल जोड़ी को चंद शब्दों से आज वचन देने का कष्ट करा। वो दिन वो नजारे भी आए, वो दिन वो नजारे भी आएंगे, समंदर है तो किनारे भी आएंगे। इस नए पद पर चलने का जो वादा निभाए हैं, घबराना नहीं, वो दिन वो नजारे भी आएंगे, समंदर है तो किनारे भी आएंगे। इस जीवन की बागडोर से घबराना मत, एक दिन तुझसे मिले वो सितारे भी आएंगे। अब मैं बड़यात्री एवं सरयात्री के सभी की ओर से चंद शब्दों के साथ साथ इस नवयुवक जोड़ी को आशीष वचन देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जीवन की हर घड़ियों में युग युग तक तेरा साथ रहे, वो अमर प्रेम बंधन इनका, यही सबों का आशीर्वाद है, यही सबों का आशीर्वाद है। मैं इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो भी विवाह की भट्टी में तपना ही तपना है, यहाँ के सारे रिश्ते सपने हैं, वहाँ चलो बेटा जहाँ तेरा हर कोई अपना है। तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया एक पल के लिए, जी में आया कि रख लूँ उस पल को हर पल के लिए, पर सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पल नहीं रुकता है एक भी पल के लिए। समय हम बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलन करेंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो इस पल के लिए हमने ये बोला हुआ है, तो पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल भी आएगा एक पल के लिए, जी में आएगा कि रख लूँ इस पल को हर पल के लिए, पर सभी जानते हैं कि कोई भी पल रुकता नहीं किसी भी पल के लिए। अक्षरों के संगम से बना हुआ शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष जिम्मेदारी का वहन करना, बोझ उठाना। विवाह शब्द में वी उपसर्ग है, वह धातु है और घं प्रत्यय है। इन तीनों शब्दों के संयोग से विवाह शब्द का निर्माण हुआ। विशेष वहन करना, ढोना, बोझ उठाना, मतलब क्या चीज़, जिंदगी के बोझ को एक दूसरे के द्वारा उठाया जाना ही विवाह कहलाता है। इसको भारतीय संस्कारों में पवित्र संस्कार माना गया है, जिसके बलबूते से ही आगे सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसलिए विवाह शब्द का शार्दिक अर्थ हो जाता है विशेष जिम्मेदारी का बोझ वहन करते चले जाना, समझबूझ से एक दूसरे के द्वारा। आज से दो सभ्यता, दो संस्कृतियों का मिलन होने जा रहा है, दो गांव, दो देश, दो समाज, दो दिल, दो सभ्यता मिलन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हम ये कहना चाहेंगे दोनों बच्चों को कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, भगवान उनको हर खुशी दे और फूलों की हर कलियां खुशबू दे इनको, सूरज की हर किरणें रोशनी दे इनको, कोई भी इन्हें क्या दे सकता है, देने वाला हर खुशी दे इनको। इसके बाद माँ बाप के प्रति भी हमारा दायित्व बढ़ जाता है, कर्तव्य बढ़ जाता है कि आज से आपके कंधे पर दो माओं, दो पिताओं का बोझ
आन पड़ा है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेना आपका कर्तव्य हो जाता है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि इस रिश्ते में झरोखा नहीं होता, हर रिश्ता इतना अनोखा नहीं होता। फना कर देना ज़िंदगी माँ बाप सास ससुर और पति के चरणों में, क्योंकि यही वो रिश्ता है जिसमें धोखा नहीं होता। आपके प्रेम को पाकर हम लोग खुश हैं, गदगद हैं। आपकी सेवा में कहीं त्रुटि नहीं है। आपने जो साग पेश किया उसे कबूल करते हैं, आपने जो तंडुल पेश किया उसे स्वीकार करते हैं। आपकी मेहमान नवाजी में कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग उस भारत से आते हैं जहाँ पर प्रेम की परिभाषा लॉर्ड श्री कृष्णा ने सही है कही है। उन्होंने कहा है कि उन्हीं की तर्ज पर आज भी हमारे देश में माँ अपने बेटे को प्यार से कान्हा कहती है। उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं की प्रेम की परिभाषा के तर्ज पर आज भी कॉलोनी के लोग बोलते हैं इश्क में पागल हुए लड़कों को कि बड़ा कन्हैया बना फिरता है। वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का उपदेश दिया तो जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने 5 निर्वासित राजकुमारों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौहिणी सेना के सामने विजय दिलाई, उस भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं हम लोग। उसके प्रेम के वशीभूत होकर आपके प्रेम को हम स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा है हिंदू सनातन की। ये भील जाति की एक लड़की ने भगवान श्री राम को जूठा बेर खिलाकर प्रेम की परिभाषा गढ़ी। सुदामा के चरणों को फखार के कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा गढ़ी। विदुर का साग खाना स्वीकार किया दुर्योधन की खीर को छोड़ करके। ये ऐसी हमारी भारत की परंपरा रही है। इसी परंपरा में आपने जो भी प्रेम हमको दिया उसे हम कबूल करते हैं।